हेलो फ्रेंड्स, कुक विद राधा चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ गाजर की हलवा। गाजर का हलवा बहुत ही सद्या शुरू हो गई है और सभी को पसंद होता है, तो मीठा खाने का मन कर रहा था तो हमने क्या सोचा कि क्यों ना गाजर का हलवा बनाएं। तो देखिए, हलवा बनाने के लिए मैं यहाँ पर दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ और मैं यहाँ पर बिना मावा के बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैंने 1.5 लीटर दूध लिया है और हमारा यानी कि दूध हमने इस कढ़ाई में कर लिया है। तो दूध को हम अच्छे से बॉईल होने तक इसका वेट करेंगे। फ्रेंड्स, हलवा की पूरी रेसिपी देखिएगा, स्किप मत करिए क्योंकि ये आपका कोई भी स्टेप छूट जाता है। तो मैं यहाँ पर देखिए गाजर को बिना घिसे ही बनाऊंगी, यानी कि बिना कद्दूकस किए हुए, और दूध को हम लगातार चलाते रहेंगे। इसको अच्छे से बॉईल आने देंगे, चलाते रहेंगे और इसका मलाई इसी में अच्छे से मिक्स करते रहेंगे। तो इस गाजर को सबसे पहले हमको छील लेना है। तो फ्रेंड्स, हमने इसको छील लिया, तो देखिए इसमें बहुत ही ज़्यादा ये मोटा मोटा वाइट वाइट है, पीला पीला है ना, ये निकल रहा है। तो इसको हमें क्या करना है, इसको हमें ज़्यादा ये हार्ड वाला पार्ट नहीं डालना है ना। तो इसको हमें साइड में निकालते जाना है इस तरह से, देखिए इस तरह से। इस तरह से पीसेस बना लिए इनके, इनको अच्छे से साफ पानी से पहले ही धो लिया था, उसके बाद में काटने के बाद भी धो लिया और इनको छील करके रेडी छोटे छोटे पीसेस बना लिए। तो अब इनको हम क्या करेंगे, हम एक लेंगे प्रेशर कुकर, उसमें हम इसको एक सीटी लगवाएंगे और इनको हल्का हल्का पकाएंगे। तो हम प्रेशर कुकर में इसको गाजर को डाल लेंगे, पास जाएगा पानी। यहाँ मैंने गैस पर कुकर रख दिया, सीटी बंद कर दिया, तो एक सीटी आने तक इसका वेट करेंगे और इसको अच्छे से पक जाएंगे हमारे गाजर। और इधर हमारा देखिए दोनों साइड चूल्हा चल रहा है, तो इधर हमारा ये दूध है ना वो भी बॉयल होता जा रहा है, यानी कि गाढ़ापन इसका आता जा रहा है। तो इसको हम लगातार चलाते रहेंगे और अगले स्टेप में इधर एक सीटी आ चुकी। तो गाजर हमने बॉईल कर ली इस तरह से, ये देखिए गाजर हमारी गल गई, यानी कि ज़्यादा भी नहीं गला है, इनके पीसेस बिल्कुल घुले नहीं है। इस तरह से आपको कर लेना है और धुआं उड़ रहा है। इधर दूध भी हमारा आधा यानी कि आधा से कम रह गया है देखिए। तो इधर हम क्या करेंगे, इसी प्रोसेस में गाजर को हम यहाँ पर छोड़ देते हैं। इस तरह से हम गाजर को डालते जाएंगे, तो इसी प्रोसेस में इसको हम चलाते रहेंगे, दूध में पकाएंगे अब हम गाजर को देखिए। और ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती है क्योंकि हमको गाजर को घिसना यानी कि कद्दूकस करना पड़े और ये फटाफट से बन भी जाएगा। तो इसको चलाते रहिए ऐसे घुमा घुमा इसको, यानी कि अभी हमें बिल्कुल बारीक नहीं करना, यानी कि इनको हलवा यानी कि फोड़ना नहीं है, इसको ऐसे ही लगातार इसमें अंदर तक दूध जाना चाहिए ताकि इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। तो फ्रेंड्स देखिए, दूध हमारा गाढ़ा होता जा रहा है, यानी कि ऐसा लग रहा है जैसे मावा बनता जा रहा है ना, तो इसी कमाल का है ना। तो इसी प्रोसेस से हमको लगातार चलाते रहना। अभी हमारा ये हलवा बनाकर रेडी नहीं हुआ ना, तो इसको हमें चलाता रहना है। और छींटे जैसे छटने लगे थोड़ी सावधानी रखें क्योंकि इसमें छींटे पड़ रहे हैं, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है। तो गैस का फ्लेम हमको मैंने क्या मीडियम कर लिया है, ज़्यादा ना तेज और ना ज़्यादा स्लो। देखिए हमारा इस प्रोसेस तक पहुंच गया है, गाढ़ा हो गया ना बिल्कुल, गाजर हमारी अच्छे से मिक्स हो चुकी है आप देख सकते हैं। और अभी भी इनको हमें थोड़ा और पकाना है। अब हमारा प्रोसेस बचा है चीनी वाला, तो हमें क्या करना है, इसमें 1 कटोरी चीनी हमारी ये देख सकते हैं, तो यहाँ पर मैंने ये चीनी डाल दी है। तो चीनी में भी थोड़ा हल्का हल्का पानी यानी कि छोड़ती है, मॉइस्चर छोड़ती है चीनी, तो इसको अभी हमने पहले ही डाल दिया है। तो अब इसको और पका लेंगे और गाजर हमारी एकदम आप देख सकते हैं ना, हमने इसमें इस तरह से नहीं पिचकाए, अपने आप गल गल के ये हलवा सा बनता जाता रहे। तो इलायची हमने डाल दी है, इसको मिक्स कर लेते हैं इस तरह से। क्या करना, अब इसको हम गाजर को जो रह गया ना टुकड़ा, उसको हम इस तरह से कलची से दबा देंगे इस तरह से, देखिए फ्रेंड्स। और हमने यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, काजू और किशमिश, तो इनको हम डाल देते हैं। आप अपने जो पसंद के अनुसार ले सकते हैं, जो आपको अच्छा लगता है वो आप ले सकते हैं। तो देखिए हलवा हमारा पूरी तरह से बन करके रेडी हो चुका है, ये देखिए दूध हमारा अच्छे से इसमें मिक्स हो गया, लग रहा है ना मावा का हलवा बनाया है, आपको नहीं लग रहा होगा ना दूध का। तो फ्रेंड्स अब लास्ट में जाएगा हमारा 1 चम्मच देसी घी, इससे और ही अच्छा टेस्ट आएगा। तो गैस का फ्लेम कर देते हैं हम बंद। तो देखिए इसी प्रोसेस के साथ हलवा हमारा बन करके रेडी हो गया है। तो लीजिए फ्रेंड्स, गर्मा गर्म हलवा हमारा बन करके रेडी हो गया, गाजर का हलवा है ना। तो अच्छी खुशबू भी आ रही है इसमें,
इलायची की, और बहुत ही अच्छा बना है फ्रेंड्स।